काफी आसानी से अभी तक तो उन्होंने इस फाइट को अपने फेवर में रखा है। काइलो इसी बीच उन्होंने नोवा को डाउन किया, नॉइजी जो नॉक पड़े हुए थे उनको समाप्त कर दिया गया। नोवा उनका एलिमिनेशन आपको 13वें स्थान पे दिखाई दे गया। जियांश नहीं, रिक्सिन की बात करें यहाँ पर मौजूद, बट ब्लड रोज के ये फाइट उनके कंट्रोल में जा सकती है। 100 में वो आखिरी खिलाड़ी बचते हैं, एक क्लच की सिचुएशन और वो फाइनल फिनिश सिक्योर भी करेंगे। ये मात सबके बीच में ग्रोइंग जीरो के खाते में भी जा सकता है, जिस प्रकार से पोजिशनिंग हमें उनकी देखने को मिल रही है। काइलो स्काउट, डार्क लॉर्ड शैडो, ये सारे खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद, टोटल 5 फिनिशेस निकाल चुके हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात, जिस प्रकार से वो सर्कल के अंदर मौजूद, गॉडबॉट वो ऑलरेडी हील बैटल करने के लिए जा चुके हैं, और मेजी फिनिशेस जिसमें से रीको वो 5 फिनिश लेके जाएंगे। थंडर को वहां पे स्पॉट किया गया और मुझे लगता नहीं कि ज्यादा देर तक अब वो वहां पे सर्वाइव करने वाले हैं। थंडर सर्कल के अंदर मौजूद है, थे, समाप्त कर दिए गए शैडो के द्वारा, पर कम से बाकी बचे हुए खिलाड़ियों को देख नहीं पाएंगे। एक बढ़िया ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया सीरवी के द्वारा, डार्क लॉर्ड थोड़ा डैमेज हील करने की कोशिश की जाएगी। अभी भी मौका है मार्कोस गेमिंग जीरो के पास वो कि वो वापसी कर पाए। वहां पर जो रिवाइवल है वो स्काउट को दिया जाएगा, बहुत ही ज्यादा मुश्किल सिचुएशन का ये रिवाइवल, पर देखना ये कि गॉडबॉट वो कुछ कर पाएंगे। जी नहीं, उनको रीको के द्वारा जगह डार्क लॉर्ड को वहां पे डाउन किया गया है। इनफैक्ट वो जो फिनिश है वो भी सिक्योर करने की वो पूरी कोशिश करेंगे। स्काउट ऑलरेडी बहुत ज्यादा लो एचपी, उनको वहां पे निकलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, वो निकले, डैमेज उनके ऊपर आया, व्हीकल रन ओवर करेंगे। शैडो इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग एंड ऑटो इस मुकाबले में एक मच नीडेड विनर।